यस, सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस मतलब रीपेमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, उसका हम रीपेमेंट करने वाले हैं एंड उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस है, सेक्शन 55 को फॉलो करना पड़ता है. ओके, कंपनीज को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, आप सबको पता है. एंड रिडम्पशन रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं सेक्शन 55 में, तो वो रिडम्पशन करने के लिए हमें बहुत बड़ी अमाउंट लगने वाली है. ये डे टू डे एक्सपेंस जैसा नहीं है, छोटा एक्सपेंस नहीं है, ये बड़ा अमाउंट आपको रीपे करना है. अगर आपने 1 करोड़ के प्रेफरेंसेस इशू किए हैं तो आपको 1 करोड़ का रीपेमेंट करना पड़ेगा. सो उसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए. तो सेक्शन 55 ने जो सोर्सेस आपको बताए हैं फंड रेज करने के, वही सोर्सेस हम यूज कर सकते हैं. एक बताया उन्होंने फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो नए शेयर्स इशू करो, आइदर वो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं या प्रेफरेंसेस भी चलेंगे. बट डिबेंचर्स चलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तब लोन क्रिएट हो जाता है एंड जब शेयर्स इशू करते हैं तब कैपिटल क्रिएट होता है. सो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कौन सा भी चलेगा, इक्विटी या प्रेफरेंस, वो नहीं करना है. आपके पास बहुत पैसे पड़े हुए हैं, मतलब आपके पास जनरल रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व. जनरल रिजर्व मतलब जो नेट प्रॉफिट P&L से आता है, वो नेट प्रॉफिट मैंने एक्यूमुलेट करके रखा है, उसका कुछ यूज नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगी उस नेट प्रॉफिट का, एक्यूमुलेट करके रहूंगी ना, कि जब भी हमें जरूरत पड़ जाएगी, बिजनेस ग्रो करना है, तब ये फंड्स में यूटिलाइज करूंगी. सो एक्यूमुलेटेड फंड, जनरल रिजर्व जो है वो क्या होता है, इट्स अ कंसोलिडेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, सारे नेट प्रॉफिट्स की एडिशन होती है. बट जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, वो रिजर्व जो है उससे हम डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते. डिविडेंड जिस रिजर्व से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसको आप क्या बोलते हो, डिविजिबल प्रॉफिट. सो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है, जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, अगर जो भी नेट प्रॉफिट आपको हुआ है वो आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं किया है तो वो P&L में ही रहता है ना, तो P&L में जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो एंड जनरल रिजर्व, ये दो ही ऐसे रिजर्व्स है जिससे आप डिविडेंड दे सकते हो. डिविडेंड मतलब पता है आपको, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक वर्ड क्या है, अप्रोप्रिएशन. करेक्ट, अप्रोप्रिएशन मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन. बाकी जो रिजर्व्स है उससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो. बाकी कौन से रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है. करेक्ट, ये भी सारे आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर ही लिखते हो. आपको कंपनी की बैलेंस शीट आती होगी, नोट 1 शेयर कैपिटल होता है एंड नोट 2 रिजर्व सरप्लस होता है. सो रिजर्व सरप्लस के अंडर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है एंड जनरल रिजर्व होता है उससे ही हम डिविडेंड दे सकते हैं. उसके अंडर जो कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है उससे हम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी डिविडेंड नहीं दे सकते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, वो कौन से सेक्शन में दिया है, याद है क्या किसी को? सेक्शन नंबर कल बताया था मैंने, मानसी इज दिस रीडेबल, एक बार कलर चेक करो लैपटॉप. नहीं, 55 में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस के प्रोविजन दिए हैं 55 में. सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन सेक्शन कौन से सेक्शन में दिया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन बोल रही हूँ मैं,
52 में दिया है, करेक्ट। एंड ये कलर आपको पढ़ने को आ रहा है ना, यस ओके। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम का ये जो यूटिलाइजेशन दिया है सेक्शन 52 में ABCDE, इसमें डिविडेंड के लिए जगह नहीं है, इसलिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी डिविडेंड नहीं दे सकते हो। सो आपको रिडम्पशन करने के लिए प्रेफरेंसेस का तीन सोर्सेस है, एक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो वो कौन से भी हो सकते हैं, प्रेफरेंसेस इक्विटी शेयर। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, सो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ही कौन से, आइदर जनरल रिजर्व या P&L का बैलेंस, उसका कैपिटलाइजेशन करना मतलब ही उसको ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को, CRR अकाउंट। CRR अकाउंट का एक ही यूज है, याद है कौन सा यूज है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बाकी CRR यूजलेस है। CRR से आप क्या कर सकते हो बताओ, सिर्फ बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो ना। सो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। एंड सेकेंड एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो CRR का यूटिलाइजेशन क्या है बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूटिलाइजेशन बताओ। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, एंड ये क्रिएट कैसे होता है, CRR कब पिक्चर में आता है बताओ, जब आप रिडम्पशन करते हो प्रेफरेंस शेयर्स का आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर रिडम्पशन फ्रेश इशू ऑफ शेयर से हो गया तो CRR क्रिएट नहीं करना है। CRR कब क्रिएट करना है, जब आप रिडम्पशन कर रहे हो आउट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो ही क्या करना है आपको, CRR क्रिएट करना है, ओके। उसके बाद अकाउंट लर्न अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंसेस, पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंसेस है, फुल्ली कॉल्ड अप बट पार्टली पेड अप प्रेफरेंसेस। मुझे बताओ रिडम्पशन करने के लिए प्रेफरेंसेस का वो फुल्ली पेड अप चाहिए या ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, रिडम्पशन करने के लिए आपके प्रेफरेंसेस फुल्ली पेड अप चाहिए क्या, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंसेस इज नेसेसरी। एंड इशू ऑफ प्रेफरेंसेस का मैक्सिमम लिमिट याद है क्या, मैक्सिमम पीरियड इज 20 इयर्स, 20 इयर्स से ज्यादा पीरियड के लिए हम प्रेफरेंसेस इशू नहीं कर सकते एज पर कंपनी एक्ट, एंड कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस। कल के जर्नल एंट्रीज याद है क्या आपको, जर्नल एंट्री, फर्स्ट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ओके। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम,
तो प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिडम्पशन एट प्रीमियम है हा? सो सेकंड इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड फॉर एडजस्टमेंट. ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट है ना, व्हेन रिडम्पशन इज मेड एट प्रीमियम, व्हेन रिडम्पशन इज मेड एट प्रीमियम तो ये प्रीमियम पिक्चर में आने वाला है. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस अकाउंट, तो इस अकाउंट को अभी डेबिट बैलेंस है बिकॉज ऑफ दिस एंट्री. इसको मैंने आगे किधर ट्रांसफर नहीं किया तो ये अकाउंट में बैलेंस ऐसे ही रहेगा डेबिट बैलेंस. तो मुझे कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये अकाउंट ऐसे ही नहीं रहना चाहिए ना, तो ये अकाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट को. सो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. सो ये छह एंट्रीज आपको करने होते हैं. इफ शेयर्स आर इशूड एट पार तो इजी है, बैंक टू शेयर कैपिटल. इफ इशूड एट प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड होगा, करेक्ट. देन रिडम्पशन की एंट्री, रिडम्पशन एट पार है तो कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. एंड लास्ट वन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एंड उसके बाद पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट. सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट था, हमें 5 लाख की जरूरत थी, 5 लाख का रिडम्पशन करना है ना हमें, तो वो 5 लाख फंड्स आपको कहाँ से आ गए, बाय इशूइंग फ्रेश शेयर्स. सो फ्रेश शेयर्स इशू किए तो सीआरआर क्रिएट नहीं करना पड़ता है. सो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, देखो पेपर में 8% रिडीमेबल ये लिखते ही नहीं है. स्टूडेंट्स लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट ऐसा कौन सा अकाउंट ही नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट ऐसा कौन सा भी अकाउंट नहीं होता है. नाम क्या है, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक. इलस्ट्रेशन टू में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम था, बैंक में 12 लाख आ गए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, बट 12 लाख जो आए हैं उसमें से हम सिर्फ फेस वैल्यू जो है 10 लाख उतनी ही यूटिलाइज कर सकते हैं. 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 10 लाख. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन थ्री में क्या था, एक जो इक्विटी शेयर था वो 9 रुपीज का था, हमें टोटल 90,000 फंड्स चाहिए थे तो हमें 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़े. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक. सो अभी नई कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. मिनिमम मतलब मिनिमम पता है, मिनिमम का मीनिंग कि मिनिमम हमें इतने फंड्स लगेंगे, कहाँ से, फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. समटाइम्स एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिक्वायर्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स शुड बी इशूड
टू एंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 आर नॉट वायोलेटेड, मतलब उनका हमें फॉलो करना है. ओके, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट. तो समटाइम्स इन क्वेश्चन दे डू नॉट मेंशन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस टू बी इशूड. फ्रेश इशू कितने शेयर्स का करना है वो नहीं देते हैं. तो उस केस में स्टूडेंट्स को कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं? चार. पहली स्टेप देखो क्या है. इन सच केसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज एसर्टेंड. एसर्टेंड मतलब कैलकुलेटेड, टेकिंग इनटू अकाउंट द बैलेंसेस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बिफोर रिडम्पशन. सो आपको मैक्सिमम रिजर्व्स एंड सरप्लस ही यूज करने हैं कंपनी के, क्योंकि आपको फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मिनिमम करना है. ओके, तो मैक्सिमम क्या चाहिए? रिजर्व सरप्लस ही यूज करना है. तो मैक्सिमम आपके पास अमाउंट कितनी है वो आपको कहां से समझेगा? बैलेंस शीट से. सो वो बोल रहे हैं इज एसर्टेन टेकिंग इनटू अकाउंट द बैलेंसेस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बिफोर रिडम्पशन एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, इफ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इन द बैलेंस शीट इज 1 lakh एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शुड नॉट बी लेस दैन 40,000 शुड नॉट बी लेस दैन 40,000 अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. मतलब उनको 40,000 का बैलेंस मेंटेन करना है जनरल रिजर्व में, तो इन दैट केस 60,000 ही हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं. देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 60,000. सो मैक्सिमम रिजर्व एंड सरप्लस आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो, मैक्सिमम रिजर्व सरप्लस कितना अवेलेबल है फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स, वो हमने स्टेप वन से निकाला. स्टेप टू क्या है देखो. After ascertaining the maximum amount of reserves and surplus available for redemption, adjustment for premium on redemption payable out of the profits is made and then it is compared with the nominal value of shares to be redeemed. देखो जो maximum available है अभी कितना आया, 60,000 आया, वही 60,000 हमें प्रीमियम पे करने के लिए भी यूटिलाइज करना है. कौन सा प्रीमियम पे करना है आपको? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. जैसे पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस वो पीएनएल अकाउंट को जा रहा है ना. सो प्रीमियम की अमाउंट आपको मिलेगी, पता होगी ना ऑन रिडम्पशन कितना प्रीमियम आपको लगेगा. वो जो अमाउंट है वो भी आपको बाजू में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको रिजर्व से ही पे करनी है. क्योंकि फ्रेश इशू ऑफ शेयर से तो आप फेस वैल्यू से यूटिलाइज कर सकते हो ना. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो फ्रेश इशू से आपको प्रीमियम आ रहा है वो प्रीमियम अमाउंट तो आप रिडम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हो. सो देखो यहां पर क्या दिया है. स्टेप टू फिर से पढ़ो सारे स्टूडेंट्स. स्टेप टू पढ़ो. आफ्टर एसर्टेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट इज मेड एंड देन इट इज कंपेयर्ड विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम. बाय कंपैरिजन वन गेट्स क्या मिलता है? बाय कंपैरिजन वन गेट्स द मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एज सेक्शन 55 परमिट्स रिडम्पशन आइदर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स. दस मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैसे निकालना है देखो. नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस टू बी रिडीम अगर वो 1 crore है तो वो माइनस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन. वो हमारे पास 60,000 ही है. ओके, तो
तो बाकी के पूरे 99,40,000 का आपको प्रेस इशू करना पड़ेगा। हमें टोटल प्रेफरेंसेस कितने रिडीम करने हैं, टोटल नॉमिनल वैल्यू से, फेस वैल्यू मतलब 1 करोड़। एंड हमारे पास मैक्सिमम रिजर्व सरप्लस में कितना था, 60,000। तो प्रेस इशू कितने का करना पड़ेगा, 99,40,000 का। आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम प्रोसीड्स, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड आर डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग मिनिमम प्रोसीड्स बाय द प्रोसीड्स ऑफ वन शेयर। दिस इज डन एज फॉलोज। सो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने, मिनिमम अमाउंट तो मिल गई आपको यहाँ पर, अमाउंट मतलब प्रोसीड्स, मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ये आपको यहाँ से मिल गया, करें बट मिनिमम प्रोसीड्स से आपको सिर्फ अमाउंट मिली है। अभी हमें स्टेप 3 में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे एंड दैट नंबर ऑफ शेयर्स इज डिपेंडेंट ऑन द इशू प्राइस। आप एट पार इशू कर रहे हो, एट प्रीमियम इशू कर रहे हो, उसके ऊपर वो डिपेंड है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। वो कैसे निकालना है, मिनिमम प्रोसीड्स टू कंप्लाई विथ सेक्शन 55 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। प्रोसीड्स ऑफ वन शेयर मीन दैट द पार वैल्यू ऑफ अ शेयर इशूड इफ इट इज इशूड एट पार और प्रीमियम। हाउएवर इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इट रेफर्स टू द डिस्काउंटेड वैल्यू। बट इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अलाउड ही नहीं है, सो इशू ऑफ शेयर्स आइदर एट पार होता है और एट प्रीमियम ही रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेटेड एज पर 3 अबाउ नीड्स टू बी एडजस्टेड ड्यू टू द वेरियस रीजन्स। फर्स्टली शेयर फ्रैक्शंस कैनॉट बी इशूड, दस इफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स एज पर 3 अबाउ इंक्लूड्स अ फ्रैक्शन इट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट हायर फिगर टू एंश्योर दैट प्रोविजन्स ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायोलेटेड। सो ये हाईलाइट करके रखो टेक्स्ट बुक में आपके मॉड्यूल में। अगर डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन में अमाउंट आ रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट हायर फिगर। सेकेंडली इफ द एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्टेट्स दैट प्रोसीड्स और नंबर ऑफ शेयर्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10, 50 और 100 देन अगेन नेक्स्ट हायर मल्टीपल शुड बी कंसिडर्ड। सो ये इलस्ट्रेशन थ्रू समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। इलस्ट्रेशन 4 पढ़ो। इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करना है आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स में।
शासकीय व्यवस्था असेल तर सत्ताधारी म्हणून असेल त्याच्याकडनं असलेल्या अपेक्षा साधारण या सो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय द कंपनी. कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायोलेटेड. ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड्स टू इश्यू शेयर्स इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 50 ओनली. सो दो क्वेश्चन पूछे. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायोलेटेड. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 9 टू रिडीम रुपीज 5 लाख प्रेफरेंसेस. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख. तो 5 लाख हमें टोटल फंड्स चाहिए, उसमें से 3 लाख मैक्सिमम पॉसिबल रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स इज 3 लाख. सो और 2 लाख चाहिए आपको मिनिमम प्रोसीड्स. एक शेयर 9 रुपीज का है, सो 2 लाख अपॉन 9 मतलब 22,000
222.22 shares. So as fractional shares are not permitted, the minimum number of shares to be issued is 22,223 shares. If shares are to be issued in multiples of 50, then the next higher figure, which is a multiple of 50, is 22,222 या 23 की जगह 22,250 आएगा. Hence, minimum number of shares to be issued in such a case is 22,250 shares if it is required in the multiple of 50, otherwise 22,223. यहां तक क्लियर है क्या आपको? आज होमवर्क के लिए क्या कर रहे हो? इलस्ट्रेशन 4. टोटल 10 इलस्ट्रेशन है, उसमें से 4 इलस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं. एंड एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है ना, सो 4 इलस्ट्रेशन आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. आज का होमवर्क है ये, ठीक है? कल मेरी कौन से भी मीटिंग नहीं है, सो कल 11:30 to 12:30 है लेक्चर. यस, बाय बाय.